में कोई भाई सवाल हो, सवाल करना चाहे नॉन मुस्लिम भाई तो कर सकते हैं। सर मेरा नाम महेश कदम है और मैं चिटागांग डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूं वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाई है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिटागांग में आया। चिटागांग में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वजन कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूं, तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूं कि आपका मैं एक बार पहले लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये दांत होता है वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे भाई ने, मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे साथ बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है कि मेरी औरत ये चाहती है कि मैं उसे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही आ रहा हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी जबरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूंगा भी नहीं। तो मेरा सवाल जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ गया हूं मैं भाई साहब, समझ गया हूं। ज्यादा है लेकिन समझ गया हूं। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है। बिल्कुल भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना, गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए, फिर चिटागांग में गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज की वजह से वीक हो गया था, लेकिन मैं जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी वहाँ पे। हमें मैं इंशाल्लाह जब आपको कम्प्लीट करूंगा फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार होने की वजह से, वो बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिल रही थी। जब चिटागांग में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए और 13 किलो उसका वजन भी बढ़ गया उनका। और वो गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप, सवाल एक दो बाद में कतार के पीछे फिर आप वापिस आ सकते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम को मिजाज है एक के बदले दो, दो के बदले तीन, अभी 3 के बदले 4 तो बाकी लोग बोलेंगे ना इंसाफी है। वो मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे, वो हमारे आगे थे, आपके आगे था, देखो आपको मौका मिला उनको नहीं मिला, ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप इस्लाम से इंशाल्लाह
प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना गोश्त खाना गलत में, इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेकर 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। बिल्कुल, कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आमतौर पर इंसान हजम कर सकता है, अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है, जो चीज हर इंसान के लिए गलत है नुकसानदार है वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब, शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी इंसान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। और मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूं तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा, तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या, उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बन गए तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त खाने के वजह, गोश्त नहीं खाने के वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है कि सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो, जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सजदे से देती है आदमी को निजात। हजारों सजदे से देता है आदमी को निजात, मतलब जिसे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, हाँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता। आप मानते कि खुदा एक है? बिल्कुल एक। आप मानते कि बुतपरस्ती गलत है? बिल्कुल गलत। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी पैगम्बर है? हाँ आखिरी पैगम्बर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते? दिल से। अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वाशदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे, और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है जी। हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ साजिद, लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि जिंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और जिंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी जिंदगी गुजारा। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे जिंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए, मैं मुसलमान बन रहा हूँ। तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है, हम दुआ करें उनकी जिंदगी में तकलीफ ना आए। मैं दुआ करूँ, आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम, आमतौर पे इस्लाम में
सरनेम बदलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके खानदान के बारे में। आपको सरनेम वही रखना जरूरी है। अच्छा, आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा, आप अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं जी, आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना। बराबर की नहीं? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ ना आए, ये कहूंगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो। अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुबहाना ताला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा ना सके। अल्लाह ताला का वादा है, फिर भी हम दुआ करते हैं या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो उठा ना सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी जिंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में पहुंचने से पहले मैं भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कि वो मराठी में कुरान डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से ले लें। माइक नंबर 4 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो तो सवाल करें।